दोस्तों, आज हम सीखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एनटीए बीजीसी नेट पेपर फर्स्ट रिसर्च एप्टीट्यूड में कंफ्यूज्ड करने के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा। और ये टॉपिक है, जैसे उदाहरण के रूप में, रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, रैंडम सैंपलिंग में क्या क्या आता है और नॉन रैंडम सैंपलिंग में क्या क्या आता है। नॉन रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, यहाँ पर। और इसको हम हिंदी में यादृच्छिक लिखा रहता है, यादृच्छिक, प्रतिदर्श या न्यायदर्श लिखा रहता है, प्रतिदर्श लिखा रहेगा या न्यायदर्श लिखा रहेगा या प्रतिचयन लिखा होगा। ठीक है, प्रतिचयन, कुछ भी शब्द आएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये जो है गैर यादृच्छिक होता है, गैर यादृच्छिक। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लिखा रहेगा और पूछेगा कि रैंडम सैंपलिंग में क्या नहीं आता है, या रैंडम सैंपलिंग का निम्नलिखित में से क्या क्या रैंडम सैंपलिंग में आएगा, और बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन बहुत ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है, या नॉन रैंडम सैंपलिंग के बारे में दे देगा। तो आपको पहचानना है, सबसे पहला तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, रैंडम का मतलब क्या होता है। यहां पर ध्यान देना, रैंडम से हमारा तात्पर्य संयोग से है, संयोग, संयोग से वही नंबर आएगा या कोई नंबर आएगा, संयोग है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स में 10 चीजें हैं, 10 चीजें हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी है। ठीक है, यहां पर 10 चीजें हैं, तो ये 10 में से कोई भी आएगा, संयोग है। यदि एक चीट या एक पर्ची उठाते हैं तो वो 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और जब हम उस पर्ची को उठाते हैं 5 आ जाता है, 5 आया। इसका मतलब है कि ये संयोग है। ठीक है, या उसको कहते हैं कि आपकी भाग्य है, लॉटरी सिस्टम जिसको आप लोग कहते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको हमेशा ध्यान देना, संयोग होता है, रैंडम जो होते हैं, रैंडम है। रैंडम मतलब कुछ भी आ सकता है, लेकिन उतने में से ही आएगा। या जैसे हम सिक्का को उछालते हैं तो हेड और टेल में से दोनों में से कोई भी आएगा, हमको नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा, लेकिन वो संयोग है। ठीक है, जो गिरेगा, ठीक है, और उसमें जो हम जो है जो भी देखते हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है, दोनों में से कोई एक आएगा, इसको बोलते हैं संयोग, इसी को बोलते हैं रैंडम। और नॉन रैंडम में क्या आएगा, नॉन रैंडम, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये नॉन रैंडम है, यानी कि इसमें सुविधा होती है, दोनों स स से है, सुविधा, कन्वीनियंस, सुविधा के तहत आता है। ये संयोग हो गया, ये सुविधा हो गया, यानी कि आप अपने सुविधा से चयन करेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में क्रिकेट मैच के प्लेयर बनाना चाहते हैं, एक बॉक्स में प्लेयर का नाम दे दिया और 11 लोगों को चुनना है। मान लीजिए 22 लोगों का नाम आपने एक बॉक्स में डाल दिया, उसको हिला दिए, तो आप 11 11 पर्ची निकालेंगे, जो भी आ गया। ठीक है, वो संयोग से आएगा, लेकिन आपसे कहा जाए कि ये 22 नामों की लिस्ट है, आप इसको चुनिए, तो आप यहां पर सुविधा मिल जाता है आपको कि प्लेयर के रूप में किसको चुनूंगा, बॉलर के रूप में किसको चुनूंगा, विकेट कीपर के रूप में किसको चुनूंगा। ये जो है सुविधा होती है, और ये जो है संयोग होती है। ये दो चीजें शायद आपको समझ में आ गया। चलिए, अब रैंडम सैंपलिंग में कितने प्रकार का होता है और जो कंफ्यूजन है उसको मैं बता रहा हूं। पहला होता है सिंपल, सिंपल मतलब सरल, सरल रैंडम सैंपलिंग होगा, यादृच्छिक प्रतिदर्श होगा। दूसरा सिस्टमैटिक, सिस्टेमेटिक, ठीक है, सिस्टेमेटिक होगा।
क्रमबद्धता होगी इसमें, क्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्धता होगी इसमें। तीसरा स्ट्रेटिफाइड होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है। और चौथा अनुपातिक होता है, अनुपातिक रेशियो में हम लेते हैं रेशियो। और पांचवा नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लस्टर, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, यानी कि गुच्छ, या इसको आप जो है समूह के रूप में कहें। आपको ये समझना है कि ये सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन करता है ये क्लस्टर जो है, क्लस्टर। बच्चे ये सोचते हैं कि क्लस्टर जो रैंडम सैंपलिंग है पता नहीं रैंडम में आता है कि नॉन रैंडम में आता है, बहुत कंफ्यूज होता है। तो ये हम जो है रैंडम सैंपलिंग के बारे में बता रहे हैं, ये रैंडम सैंपलिंग है, ठीक है। दूसरा चीज है नॉन रैंडम सैंपलिंग जो है, नॉन रैंडम सैंपलिंग, तो पहला जो है सुविधा ही होता है, सुविधा, ठीक है, सुविधा ही होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जजमेंट, जजमेंट जो होता है। और तीसरा जो होता है कोटा सैंपलिंग, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, कंफ्यूजन करता है, ठीक है। कोटा सैंपलिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर ये कोटा सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग जो है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कोटा सैंपलिंग नॉन रैंडम सैंपलिंग में आता है और क्लस्टर सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग में आता है, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। बस आपको एक संयोग होता है, एक संयोग के रूप में लेंगे और दूसरा सुविधा के रूप में लेंगे, बस इतना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपको पहचानना है, ठीक है। शायद मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके भी देखते हैं कि रैंडम सैंपलिंग में ये जो पांच प्रकार का बताया हूं, ठीक है, वो क्या होता है। तो रैंडम सैंपलिंग में रैंडम, इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी बोलते हैं, प्रायिकता, ठीक है, रैंडम सैंपलिंग कहो या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहो, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसको मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि आपको ट्रिक के माध्यम से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला जो है सरल, सरल क्या होता है, सरल का मतलब होता है कि आप यहां पर जो है लॉटरी प्रणाली जो है, लॉटरी सिस्टम, लॉटरी के माध्यम से निकालते हैं, लॉटरी प्रणाली, ठीक है, लॉटरी प्रणाली के माध्यम से, यानी कि एक जैसे मान लीजिए किसी वार्ड का, वार्ड में वोटर के, वोटर को जो है सैंपलिंग करना है, तो किसी वार्ड में मान लीजिए 1000 वोटर हैं और आप चाहते हैं कि मुझे रैंडम सैंपलिंग करना है और मुझे कम से कम 100 चाहिए, हमें 100 वोटर का नाम चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि 1000 तो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, 1000 को चीट में डाल देंगे, एक बॉक्स में डाल देंगे उसके क्रमांक को, क्योंकि क्रमांक के बाद में मतदाताओं सॉरी वोटर का नाम लिखा हुआ है, सरल क्रमांक एक में वोटर का नाम, दूसरा में वोटर का नाम, तीसरा वोटर का नाम, तो 1000 चीट बना लीजिए और एक बॉक्स में डाल दीजिए और 100 चीट निकाल लीजिए, जो भी क्रमांक आया होगा उसी क्रमांक में से वोटर का जो है, वोटर को जो है चुनिए और उनके घर जाइए और उनसे क्वेश्चनियर भराइए, ठीक है। तो ये कहते हैं कि रैंडम सैंपलिंग जो है बहुत अच्छा, ये बिना बायस का माना जाता है, बिना भेदभाव का माना जाता है, बिना पक्षपात का जो रिजल्ट आता है, बिना पक्षपात का आता है, ठीक है। दूसरा होता है सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक क्या होता है, सिस्टमेटिक में क्या होता है, मान लीजिए 1 से लेकर जो है 10 तक का नाम है, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 और 10 नाम है आपके पास में, आप क्या करेंगे सिस्टम से चलाएंगे, यानी कि
विषम संख्याओं को ले लीजिए आप, विषम संख्याओं को ले लीजिए, ठीक है। विषम संख्याओं को आपको लेना है तो क्या करना पड़ेगा, 1, 3, 5, 7, 9, ये पांच नाम आपका आ जाएगा। 10 में से यदि मान लीजिए पांच नाम का आपका चयन करना है तो आप या सम संख्याओं को ले लीजिए, सम संख्याओं को आप ले लीजिए, सम संख्याओं को लेना है तो 2, 4, 6, 8 और 10, इस तरह से पांच नाम ले सकते हैं, ये सिस्टमेटिक है। या आप 100 नाम है, आप चाहते हो कि आप ऐसा काम करिए, जैसे 1 से लेकर 100 तक है, ये 2 और 3 है, इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद में 4 को लीजिए, ठीक है, हम 4 को लेंगे, और उसके बाद में 5 और 6 को छोड़ देंगे, और इसके बाद में 7 को लेंगे, ठीक है, फिर 8 और 9 को छोड़ देंगे, ये 8 और 9 को दोनों को छोड़ देंगे, 10 को लेंगे। तो ये सिस्टमेटिक होता है, सिस्टम से चल रहा है, ठीक है, एक सिस्टम बना दिए हैं, 2-2 को छोड़ दीजिए और लीजिए, या 3-3 को छोड़ कर लीजिए, या 5-5 को छोड़ कर लीजिए, तो ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग हो गया ये, ठीक है, शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा चीज है स्ट्रेटिफाइड, क्या होता है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए, मान लीजिए ये यहां पर जो है छोटा सा राशि है, मान लीजिए 100 टोटल है, इसको बोलते हैं समग्र, समग्र जनसंख्या कहते हैं इसको, जो है समग्र जनसंख्या, यानी कि टोटल जनसंख्या 100 है, और आपका सैंपलिंग साइज जो है मान लीजिए 20 है, ये सैंपलिंग साइज है, ठीक है, जो आप सैंपल करना चाहते हैं, ये सैंपलिंग जनसंख्या है, यानी कि आप चाहते हैं 100 टोटल है तो उसमें से मुझे 20 का सैंपलिंग करना है, तो इसमें एक फार्मूला काम करता है, यानी कि अंतराल बराबर होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अंतराल बराबर, अंतराल बराबर होता है ये, ठीक है, इसको हम एन लिखेंगे, इसको कैपिटल एन लिखेंगे, इसको स्मॉल एन लिखेंगे, तो अंतराल बराबर कैपिटल एन बटे एन, यही प्रश्न पूछा जाता है कि अंतराल बराबर, ठीक है, समग्र जनसंख्या बटे आपका जो है सैंपलिंग जनसंख्या, ठीक है, सैंपलिंग साइज नंबर्स, तो ये फार्मूला ही पूछ देता है, तो कहता है कि ये कौन सा सैंपलिंग है, तो आप स्ट्रेटिफाइड को लिखिएगा, तो यहां पर जो होगा, यहां पर कितना है 100 है और आपका सैंपलिंग साइज कितना है 20 है, तो ये पांचवा नंबर, हर पांचवा नंबर को जो है, ठीक है, हर पांचवा को आपको सैंपल करना है, सैंपलिंग करना है, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 5 के पहाड़ा पल लीजिए, ठीक है, टोटल जनसंख्या होती है उसमें जितना सैंपलिंग साइज है उसमें डिवाइड कर दो तो आपको अंतराल प्राप्त हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के नाम से जानते हैं, और यही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि जैसे मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से यदि आपको समझ में आ गया होगा, और फिर उसके बाद में क्लस्टर, क्लस्टर सैंपलिंग क्या है, यानी कि गुच्छ, गुच्छ का मतलब भी आप समझ रहे हो समूह से है इसका, सीधा सीधा समूह, और जब क्षेत्रफल का चयन करना रहता है, क्षेत्रफल का बड़ा बड़ा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का चयन करना होगा तो आप क्लस्टर सैंपलिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी कि एक गांव है, ये बड़ा गांव है, इसका नक्शा है, ये नक्शा है गांव का, ठीक है, तो इसमें जो है पूरे गांव को चयन करने की जरूरत नहीं है, गांव से डेटा निकालने की जरूरत नहीं है, हम मोहल्ला को, मोहल्ला नंबर 1, मोहल्ला नंबर 1, या इसको वार्ड कहते हो आप लोग, जो वार्ड नंबर 1, जब आपको वार्ड को चुनना हो, ठीक है, या वार्ड नंबर, मोहल्ला नंबर, ठीक है, 5, ठीक है, या वार्ड नंबर 5 है, जब आपको ये गुच्छ है, देखिएगा, मोहल्ला नंबर 1 या वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, यदि पूरे मोहल्ला को चुनना होगा या पूरे गांव को चुनना, एक गांव जैसे ग्राम पंचायत को चुनना होगा, मान लीजिए 10,000 ग्राम पंचायत है, 10,000 एक विधानसभा क्षेत्र में या एक राज्य में,
10,000 ग्राम पंचायत है। आप चाहते हैं कि मुझे पूरे पंचायत में अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, मुझे मुझे मान लीजिए 10 ग्राम पंचायत का चयन करना है, 10 ग्राम पंचायत का ये समूह है। तो आप इस तरह से जब चयन करेंगे, ग्राम पंचायत का चयन करना होगा तो क्लस्टर का करना पड़ेगा। या आपने देखा होगा यदि मान लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों से संबंधित डेटा संग्रहण करना चाहते हैं तो आप किसी गांव में जो SC ST मोहल्ला होता है उस मोहल्ला को चुनिएगा, SC मोहल्ला को, ST मोहल्ला को, ठीक है। तो इस तरह से स्लम एरिया, स्लम एरिया को चुनना होगा तो किस स्लम एरिया, स्लम एरिया में भी धनी स्लम एरिया होता है, मध्यम वर्ग का होता है, गरीब वर्ग का होता है। तो हम क्लस्टर सैंपलिंग में इस तरह से करते हैं। शायद मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां तक तो खत्म हो गया। अब इसमें जो है नॉन रैंडम सैंपलिंग, इसको ठीक से समझिएगा। मैंने यहां पर बताया था सुविधा अनुसार से करते हैं, सुविधा कन्वीनियंस। तो यहां पर पहला ही होता है कन्वीनियंस नॉन रैंडम सैंपलिंग होता है, कन्वीनियंस यानी कि सुविधा। इसका मतलब यह होता है कि आप अपने सुविधा के अनुसार से चयन करते हैं, सुविधा अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। यानी कि आपको लगता है कि यहां पर सुविधा क्या है, सुविधा क्या हो सकता है। सुविधा का मतलब यह होता है कि जैसे मैंने बताया कि आपको क्रिकेट टीम बनाना है, क्रिकेट टीम बनाना है आपको, बहुत इजी ढंग से समझा रहा हूं। तो आपको अपने यहां पर लिस्ट दिया हुआ है, एक लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 सबका नाम दिया हुआ है, प्लेयर का नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर जो है 9 10 इस तरह से 22 25 लोगों का नाम दिया हुआ है और आपको जो है 11 का टीम बनाना है। तो आप अपने सुविधा चयन करेंगे, सचिन तेंदुलकर को, सौरभ गांगुली को, विराट कोहली को, ठीक है, रोहित शर्मा को, ठीक है, और भी दूसरा जो प्लेयर होगा आप अपने सुविधा अनुसार से, ये दूसरा को चयन करते हैं, ये 8वां को चयन करते हैं, ये 6वां को चयन करते हैं, ये 15 नंबर को चयन करते हैं। जब आपको सुविधा दिया जाता है तो इसको कहते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग, इसी को बोलते हैं, ठीक है, सुविधा। परपोजिव, ठीक है, परपोजिव जो मैंने आपको नाम बता रहा हूं इससे आपको समझ में आ रहा है। दूसरा नंबर जो है परपोज यानी कि उद्देश्य, उद्देश्य से पूर्ण सैंपलिंग, यानी कि आप एक उद्देश्य को देखते हैं, आप अपना मनमानी करते हैं, मनमानी, अपना मनमानी होता है, उद्देश्य पूर्ण, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में पर्टिकुलर उन्हीं को आप चिन्हांकित करते हैं, उन्हीं को चिन्हांकित जो आपके पर्पस है, पर्पस के आधार पर, ठीक है, पर्पस के आधार पर करते हैं तो इसको हम उद्देश्यपूर्ण या परपोजिव कहते हैं। मींस जैसे उदाहरण के रूप में आपको मान लीजिए क्वेश्चनियर भराना है आपको जो है, यानी कि प्रश्नावली भराना है आपको जो है, तो आप क्या करेंगे, अपने माता पिता परिवार से भरवाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये परिवार से रिलेटेड है, ठीक है, परिवार से रिलेटेड है, तो अपने परिवार से भराएंगे, अपने समाज से भराएंगे, ठीक है, अपने समाज से भराएंगे, अपने एरिया से भराएंगे, ठीक है। या आप अपने अनुभव का, यहां पर अनुभव का लाभ लेंगे, जो आपका अनुभव है उस अनुभव के हिसाब से यदि डेटा कलेक्शन करते हैं तो इसको बोलते हैं परपोजू, अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, जिससे उद्देश्य पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये जो है सब बायस कहलाता है, पक्षपात कहलाता है, नॉन रैंडम सैंपलिंग ये सब पक्षपात पूर्ण सैंपलिंग होता है। तीसरा प्रकार का जो होता है जजमेंट, तीसरा जो होता है जजमेंट, जजमेंट सैंपलिंग होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जजमेंट सैंपलिंग का जो है, ठीक है, ऑडिशन होता है, ऑडिशन, ठीक है, यानी कि डांस में ऑडिशन होता है, सिंगिंग में ऑडिशन होता है, इंडियन आइडल आपने देखा होगा,
इंडियन आइडल के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जजमेंट सैंपलिंग है ये, जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसी का चयन किया जाएगा, इसमें कोई पर्ची निकाल कर नहीं किया जाता, ये जजमेंट सैंपलिंग है, ये आपका जो है ऑडिशन जो है, ठीक है। चौथा जो होता है कोटा सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, ठीक है, यानी कि आरक्षित रखते हैं, आरक्षित करते हैं, आरक्षित करना किनसे, आपको आरक्षित है ये, आरक्षित से मतलब जैसे कोई जनसंख्या है, जैसे मान लीजिए हमने अभी पढ़ा था क्लस्टर सैंपलिंग में, क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, जितने जितने जनसंख्या में आप उत्तरदाताओं का चयन करते हैं जिनसे आपको प्रश्न पूछना है, ठीक है, तो आप पहले से निर्धारित कर लेते हैं मैं इनसे इनसे पूछूंगा, जैसे आप मुख्यमंत्री से, मैं मुझे पूछना है, मुख्यमंत्री का नाम यहां पर लिख दिए, ठीक है, आप कहेंगे मैं खाद्य मंत्री से पूछूंगा, खाद्य मंत्री से, आप कह रहे हो कि तीसरा नंबर कर रहे हो कि नहीं मुझे तो ये आईएएस ऑफिसर से जाना है, आईएएस ऑफिसर के पास में जाना है, कलेक्टर किस कलेक्टर से जानकारी मुझे लेना है, तो आप क्या कर रहे हैं, कोटा कर दे रहे हैं आप, कोटा सैंपलिंग है, ठीक है। मुझे तो रिक्शा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले में भी बहुत सारे लोग होंगे, रिक्शा चलाने वाले में भी से जो है आप निर्धारित कर लेंगे कि मैं इसी रिक्शा चालक से ही मुझे जो है उत्तर प्राप्त करना है, प्रश्न पूछना है और उत्तर देगा, या इंटरव्यू लूंगा या अवलोकन करूंगा, पर्टिकुलर पहले से ही फिक्स कर देते हैं कि मैं इनसे ही डेटा प्राप्त करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए सैंपलिंग, और सैंपलिंग में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है हर शिफ्ट में। आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक लगा, ठीक लगा तो भैया लाइक कर दो ना यार, शेयर कर दो ना, इतना मेहनत से बनाते हैं, ठीक है, दिमाग पे तो है लेकिन इसको जो है समझाना, आप तक लाना, उसको एडिटिंग करना, कितना तकलीफदायी काम है। तो इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि यदि यदि आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना तो ना भूलिएगा, दूसरे को भी सहयोग कीजिएगा, परोपकारी का काम है ये, ठीक है, और भी लोग देखेंगे, और नए पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपको जो है जब हम कभी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सूचना भी मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के कई फायदे हैं, मेरे से हमेशा लाइफ टाइम के लिए जुड़े रहेंगे, ठीक है। और टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है जन्मों जन्मों का होता है, एक जन्म का नहीं होता, कई जन्मों का रिश्ता होता है, और आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो इसके पीछे पुनर्जन्म की कथा है, पुनर्जन्म की कथा है, ऐसे ही मुलाकात नहीं होगा हमारा आपका जो है, और हम तो आपके पिता के समान है, ठीक है। टीचर गुरुजी जो होता है वो हमेशा पिताजी के समान होता है, माता पिता के समान होता है, तो हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का रिश्ता है, आज का रिश्ता नहीं है ये। तो इसलिए हमारे चैनल, हमारा जो चैनल है उसमें से मेरा अकेला चैनल नहीं है, आपका भी चैनल है, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू।